Unites.com, redefining Bollywood. नहीं सुनो, पहले सवाल, पहले मार्क कर लेते हैं, पहले सवाल। अच्छा, दिस इज नाउ आफ्टर द अवार्ड इज फिनिश्ड और आर वी गोइंग टू डू अ अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, सो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग। तो आई थिंक जी अवार्ड्स हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड शो होता है। जब मैंने पहली बार होस्ट किया था तो मैंने जी अवार्ड्स के लिए किया था एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली अमेजिंग शो and I'm looking forward to a fun night. Good evening, Priyanka. हाँ जी प्रियंका, इंटरनेशनल आइकॉन ऑफ द ईयर आपको शायद अवार्ड मिलने वाला है अंदर, कुछ विस्तार से बताएंगे आप इसके बारे में हमें? मुझे भी विस्तार से पता नहीं है, शायद जब अंदर जाके वो अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा। Okay. लेकिन उड़ती उड़ती खबर मैंने भी है। Okay, कितना ऐसा लगता है जिस तरह हम आपको देखते हैं पूरे ग्लोब में आप घूमती रहती हैं, इंटरनेशनल आइकॉन बन चुकी हैं आप? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता अभी एक ही साल हुआ है जब से मैंने अपना म्यूजिक करना शुरू किया है एंड वो ही इंटरनेशनल काम है मेरा एंड आई थिंक अभी बहुत लंबी जर्नी है मेरी एंड मैं बट ऐसे अवार्ड्स मिलना बहुत इनकरेजिंग भी होता है। हम लोग वेस्टर्न लुक में देखते हैं, इंटरनेशनल आइकॉन मिल रहा है, आज आप देसी साड़ी में आई है, तो अगर इंटरनेशनल आइकॉन भी बन गई तभी भी तो देसी रहूंगी ना मैं हमेशा, वो तो नहीं बदलेगा। आई एम वेयरिंग अ साड़ी बाय जेड। Actually, I was really in the mood to wear a sari. मैंने बड़े दिनों से साड़ी नहीं पहनी थी, and it's my favorite outfit, so I decided to wear one. Okay, Priyanka, अगर मैं गलत हूँ तो Priyanka आपने. Well, I always knew that she would because I think she's a phenomenal actor. हमारी family में it runs. Okay. But I'm very, very proud of Tisha. I was like, उम्मीदें मैं कोशिश करती हूँ ना रखने की फिल्मों से. लेकिन गुंडे इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म, हमने बहुत काम किया है इसमें, कोल के खानों में, यू नो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी में शूटिंग की है एंड इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ और ये वैलेंटाइंस डे के दिन आई थिंक यू नो एक प्यार की फिल्म देखना बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।